बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक अजय देवगन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बादशाहों के प्रमोशन में बिजी हैं। अजय देवगन पिछले ढाई दशक से इस फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। इस दौरान वह हर तरह के किरदारों को पर्दे पर निभा चुके हैं, वहीं दर्शकों ने भी उन्हें हर रूप में सराहा है। फिलहाल उनकी चर्चा बहुत जल्द रिलीज होने जा रही फिल्म बादशाहों को लेकर हो रही है, जिसके प्रमोशन के सिलसिले में वह फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, डायरेक्टर मिलन लुथरिया एवं अपने सह कलाकारों इमरान हाशमी, इलियाना डिक्रूज और ईशा गुप्ता के साथ राजधानी दिल्ली में थे। इस दौरान सभी कलाकारों एवं फिल्म के डायरेक्टर ने बादशाहों को लेकर अपनी अपनी राय सामने रखी। दोनों बहुत ही काम है, दोनों बहुत ही पेशेंट है, बहुत प्रिपेयर्ड, ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन एक्टर, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो दैट हेल्प्स। और जब आप सेट पे होते हैं तो बिकॉज दोनों बहुत काम है, इतने प्रिपेयर्ड होते हैं, एज समवन फॉर समवन लाइक मी हु इज वेरी न्यू, सेट पे बहुत अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि अगर आपका भी मूड मिसलीज रह जाता है तो उनकी उनकी हेल्प से और उनकी परफॉर्मेंस से वो आपको एक तो बहुत चीज हेल्प करती है। प्लस अगर आपको कहीं पे जैसे मुझे जैसे एक दो बार हुआ कि कहीं पे समझ नहीं आ रहा था कैसे करें, तो अजय ने भी एक बार हुआ है, इमरान ने भी, ऑफकोर्स मिलन सर वॉज ऑलवेज देयर, कि उनकी हेल्प से, बिकॉज हम सब यू नो, उन्होंने हमेशा बोला कि अगर सामने वाले एक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिल्म को बेनिफिट होगा। और दोनों ऐसे एक्टर्स हैं कि हर एक बहुत कंफर्टेबल करते हैं, बिकॉज जब आप इतने अच्छे एक्टर्स के साथ होते हैं एक ही स्क्रीन पे, और मेरे लिए तो तीन बहुत अच्छे एक्टर्स हैं थ्रू आउट स्क्रीन पे, जो आप सेट फिल्म में भी देखेंगे, संजय मिश्रा, अजय अभिमान, तो आपको 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 प्रेशर भी होता है, और मगर एक हिसाब से प्रेशर हट भी जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों हैं, बट बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है। I don't see myself playing any Guri Kushu character. But instinctively, जब मैंने पहले के साथ पहली बार जब काम किया, मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मेरे बॉस महेश पर साहब ने मुझे कहा था कि जब मैं अजय देवगन को कहानी सुनाता हूँ तो वो 5 मिनट में पूरा पूरा उसका जो रस है कहानी का वो अपने जहन में उतार लेते हैं। तो आई थिंक दैट इट इज लाइक दिस हु लास्ट सो फास्ट व्हाट अ डायरेक्टर वांट्स, बिकॉज एक्टर्स की जर्नी में बहुत सारे फिल्मेकर आते हैं अलग अलग किस्म के, हर फिल्मेकर का सुर पकड़ना और उसको एम्बाय करना एक्टर का काम होता है। वो अजय बहुत अच्छी तरह करते हैं और बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि आप किस सुर में बात करना चाहते हैं। ये एक सवाल मुझे याद है, दूसरा बहुत पूछिए सर, पिचिंग के वक्त कैसे डायरेक्ट करते हैं सर आपको, कि आपको ये फिल्म करनी ही करनी है? आई थिंक जो मिलन का बचपन है जिससे बात थोड़ी समझ में रहती है, मिलन अच्छी फिल्में बनाते हैं, बड़ी फिल्में बनाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जो समझ इमोशन की है और जो गहराई रिलेशनशिप्स की है वो सबसे अच्छी चीज़ है, वो शुरू से रही है, जब जब फिल्म असिस्टेंट है तब से आई थिंक कहीं वो इनको अपने घर से भी मिला है और कहीं हिसाब से भी मिला, तो एक बहुत अच्छी बात है। और मिलन और मेरी अब जो दोस्ती है वो 19 साल से ज्यादा है, क्योंकि कच्चे घर से नहीं है, उससे पहले जैसे पहले निकाल।